एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल रिश्रीज किचन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टा मीठा पेठा, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये इसके लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स है जो हमें चाहिए, तो हम जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले कुकर ले लेंगे, उसमें हम तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा थोड़ी सी मेथी दाना, इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे कली पत्ता और इसको हमने टॉस करना है एक दो मिनट के लिए। हींग डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से फिर से हम टॉस करेंगे। चीनी डालेंगे इसमें और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसमें सरसों भी डाल सकते हैं कड़ी पत्ता के साथ साथ, और एक लाल मिर्ची साबुत डाल सकते हैं, उससे और टेस्टी फ्लेवर आता है। फिर हम इसमें डालेंगे हमारा कटा हुआ कद्दू या पेठा, और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। कुक करेंगे 10 से 12 मिनट तक के लिए मीडियम लो फ्लेम पे, थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होने लग जाएगा। फिर हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हमने इसमें अमचूर डालना है। तो इसमें चीनी और अमचूर की जो क्वांटिटी है, जो रेशो है, वो सेम रहता है, और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे फिर से, और फिर हमने इसको लिड से कवर करके इस पर हमने विसल आने देना है, 2 से 3 विसल। फिर हमने लिड खोल के इसको अच्छे से मैश करना है और इसको थोड़ा सा कुक करना है, ताकि इसका जो पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाए। आप इसको गार्निश करिए और इसको पूड़ी के साथ सर्व करिए या परांठी के साथ सर्व करिए, बहुत डिलीशियस लगता है खट्टा मीठा पेठा। डू ट्राई इट आउट, आप बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड फॉरगेट नॉट टू फॉलो अस, थैंक यू सो मच।